कुछ मिस्टेक्स इस ड्रामे में हमने देखी हैं। ओके सॉरी सॉरी, हम सीरियस हो जाते हैं प्रोमो को लेकर। जिस तरह घाटा ड्रामा में नानी अम्मा कुछ दिन शहर को चली गई थी, ऐसे बादल खान भी पहाड़ों की सैर में खो गया था। अभी हम तुम्हारा अंगूठा काट कर। ड्रामा सीरियल खाई मजेद इंटरेस्टिंग हो चुका। जैसे ही बादशाह खान पामीर की कबर पर जाता है, जमता फौरन ही बादल खान को इतला कर देती है कि बादशाह खान पामीर की कबर पर अकेला गया है। बादल खान जदल खान को इतला करता है कि जमता का फोन आया है। यही सही मौका है अपना बदला लेने का। अगर हमने अपना बदला नहीं लिया तो वो लोग ले लेंगे और हमें खई करना है। हमें उन्हें खई नहीं करने देना, क्योंकि इस खानदान का आखिरी मर्द सिर्फ मैं ही हूँ। जिस पर जदल खान उसे कहता है कि मैं अपने बाप का बदला जरूर लूंगा, वो दोनों बादशाह खान के पीछे चले जाते हैं। बादशाह खान को अकेला देखकर वो लोग उसके सर पर पत्थर मारते हैं। बादशाह खान चूंकि बेहोश हो जाता है, जब वो होश में आता है तो वो बादल खान से पूछता है कि कौन हो तुम। उस पर बादल खान कहता है कि मैं वो हूँ जिसके पीछे तुमने पूरे गाँव को तंग किया हुआ है। उसके बाद जदल खान उसे कहता है कि जिस तरह तुम्हारे बाप दुर्राब खान ने मेरे बाबा का अंगूठा काटा था सिर्फ एक छोटी सी जमीन के पीछे, मैं भी आज तुम्हारा अंगूठा काट दूंगा। इस प्रोमो से हमें ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने बादशाह खान का जस्ट अंगूठा काटा है, उन लोगों ने उसे कत्ल नहीं किया है। और बादशाह खान भी अंगूठे के कटने से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तकलीफ की वजह से मर जाएगा। दूसरी तरफ दुर्राब खान को जैसे ही पता चलता है कि बादशाह खान की गाड़ी मौजूद है मगर वो उसमें मौजूद नहीं है, तो वो फौरन ही अपने साथियों और अपने बेटे को बलास खान और चनार खान को लेकर वहां पहुंच जाता है और अपने साथियों से कहता है कि कौन लोग हैं ये, पीछा करो इनका वरना मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लोग बादल खान और जदुल खान का पीछा करते हैं लेकिन उन्हें बादशाह खान कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता। जैसे ही जदुल खान बादशाह खान का अंगूठा काटता है तो वो जोर से चीखता है। उसकी चीख की आवाज से बरलास खान और चनार खान को उसकी जगह का पता चल जाता है। वो लोग फौरन उसके पीछे जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो बादल खान और जदुल खान वहां से भाग निकलते। बरलास खान और चनार खान और इनके सिपाही बादल खान और जदुल खान पर फायरिंग करते हैं लेकिन बदकिस्मती से एक गोली जदुल खान के पैर में लग जाती है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो गोली बरलास खान ने चलाई होती है। अब बादल खान को इस बात का अफसोस बहुत होगा कि उसने बरलास खान को उस दिन क्यों छोड़ दिया जिस दिन वो पामीर को लेकर जंगल में गया था। जब उसने पामीर को मारा तो वो उस बरलास को वहीं खत्म कर सकता था, तब वो अकेला था। कुछ मिस्टेक्स इस ड्रामे में हमने देखी हैं कि बीच में बादल खान गायब हो गया था, जैसे कि वो ड्रामे से किसी वजह से बीच में छुप गया था। जिस तरह घाटा ड्रामा में नानी अम्मा कुछ दिन शहर को चली गई थी, ऐसे बादल खान भी पहाड़ों की सैर में खो गया था। ओके सॉरी सॉरी, हम सीरियस हो जाते हैं प्रोमो को लेकर। तो मैं आपसे कह रही थी कि बादल खान को ये रिग्रेट जरूर होगा लेकिन अब क्या, क्या अब जद्दुल खान पकड़ा जाएगा और दुर्राब खान को सब समझ आ जाएगा कि ये सब करने वाला और बादल खान का साथ देने वाला जद्दुल खान था। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी तो फैमिली है। इस ड्रामे में आखिर हीरो ही क्यों बच जाएं और जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो कुर्बानियां देते रहें। जैसे सबसे बड़ा शैतान तो चनार खान और दुर्राब खान है पर अब तक वो नहीं मरे, पर उनके बाकी के लोग, पामीर जो मासूम था, बादशाह खान जो मासूम है, ऐसे लोग मर गए। गुलाब खान भी झगड़ा फसाद पसंद नहीं करता था लेकिन उसे भी मार दिया गया, क्योंकि ये एक आपस की खानदानी कबीलों की लड़ाई है जिसमें खई का मतलब है उस खानदान के सारे मर्दों को खत्म कर देना ताकि उनकी आगे नस्ल ना बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुर्राब खान को अब ये बहुत एहसास होने लगा है कि बरलास खान की वजह से बादशाह खान बहुत ही दुखी रहने लगा है, इसलिए वो बरलास खान को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने बादशाह खान का इस तरह साथ देना है, इस तरह उसका बेटा बनकर दिखाना है जिस तरह पामीर था। तुमने बादशाह खान को और अपनी चाची को पामीर की कमी महसूस नहीं होने देनी।